हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चिकित्सक। दोस्तों, आज के समय में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर किसी विभाग में 1000 पदों की भर्ती निकलती है तो उसके लिए लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। सरकारी नौकरी के चक्कर में कैंडिडेट सिर्फ ये देखते हैं कि बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ग्रेड या फिर किस पोस्ट की नौकरी है इसके बारे में तो ज़्यादा सोचते भी नहीं। उन्हीं में से कुछ पोस्ट है जैसे LDC, DEO, पोस्टल असिस्टेंट आदि। इन पदों के लिए भर्ती SSC CHSL के तहत होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे SSC CHSL क्या होता है और इस एग्ज़ाम को पास करके हम किस विभाग में और किन पदों पर नौकरी पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नौकरी तो बहुत डिपार्टमेंट में होती है, कई विभागों में बड़े बड़े पदों पर भी वैकेंसी निकलती है, लेकिन आज के समय में युवाओं में सबसे ज़्यादा क्रेज कुछ पदों को लेकर ही होता है। उन्हीं में से कुछ पद है LDC, DEO और पोस्टल असिस्टेंट। ये कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे पद हैं जिसे पाने के लिए सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन विभाग में नौकरी कैसे मिल सकती है, इन विभाग में नौकरी पाने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है, तैयारी कैसे करनी होती है, आपके मन में उठने वाले ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देखने के बाद मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वीडियो में किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले SSC CHSL क्या होता है, किन पदों पर नौकरी मिल सकती है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी होती है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। इतने सारे टॉपिक पर इस वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं SSC CHSL क्या होता है। दोस्तों, SSC केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग विभागों के लिए भर्ती करवाती है। आसान शब्दों में कहें तो SSC अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली वैकेंसी के लिए भर्ती करवाती है। SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें कई कैटेगरी के एग्ज़ाम होते हैं जैसे SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS, SSC एस्ट्रोनोग्राफर एटसेट्रा। उसी में से एक कैटेगरी है SSC CHSL, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसको हिंदी में संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर कहते हैं। SSC CHSL हर साल कई पदों पर कैंडिडेट की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। अब जानते हैं SSC CHSL को पास कर किन पदों पर नौकरी मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक एक बात क्लियर करके बताऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि SSC CHSL की परीक्षा पास करने के बाद किन पदों पर नौकरी मिल सकती है, तो आपको बता दूं कि इसकी परीक्षा पास करने के बाद आपको तीन पदों पर नौकरी मिल सकती है। फर्स्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेकेंड है लोअर डिवीजन क्लर्क और थर्ड है पोस्टल असिस्टेंट। आपको इन तीनों में से कोई एक पोस्ट मिल सकता है। ध्यान दीजिए कि ये तीनों पोस्ट अपने आप में काफ़ी रेपुटेड पोस्ट है। इन पोस्ट को पाना स्टूडेंट का सपना होता है। अब जानते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि SSC CHSL की परीक्षा को पास करने के बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आपको कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हैं तो आप कम से कम क्वालिफिकेशन के लिहाज से इस परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। ध्यान दीजिए कि 12th में आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम हो, आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा सवाल एज लिमिट कितनी होती है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए मारामारी है उसमें लाखों युवा एज लिमिट की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते। तो दोस्तों, इस परीक्षा में बैठने के लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र इसके बीच है तो आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अलग अलग कैटेगरी को रिजर्वेशन के तहत उम्र की सीमा में छूट भी दी जाती है। SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, PWD अनरिजर्व्ड को 10 साल की छूट, PWD OBC को 13 साल की छूट मिलती है, वहीं PWD SC ST को 15 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरह की उम्र में छूट मिलती है।
जिसमें एक्स सर्विसमैन, डिफेंस से जुड़े लोग को भी उम्र सीमा में छूट मिलती है। अब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का पैटर्न क्या है। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा 3 पैटर्न में होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको एलडीसी, डीईओ और पोस्टल असिस्टेंट की नौकरी पानी है तो आपको 3 तरह के एग्जाम देने होंगे, तभी आप इस नौकरी को पा सकते हैं। टायर 1 की बात करें तो इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, जिसमें अलग अलग विषय के कुल 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन। दोस्तों हर प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं, यानी कि ये कुल 200 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं, मतलब 1 घंटा दिया जाता है, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समय 80 मिनट होता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो इसके लिए आपके आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब टायर 2 की बात करें तो इसमें एस्से लिखना होता है, जो कम से कम 200 से 250 शब्दों का होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको एक लेटर या एप्लीकेशन भी लिखना होता है, जो कम से कम 150 से लेकर 200 शब्दों के बीच होना चाहिए। ये एस्से लेटर आपको कुछ खास विषय पर लिखने के लिए कहा जाता है, जैसे पॉलिटिक्स, सोशल इशू, टेक्नोलॉजी, फिनांस एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट। वहीं टायर 3 की बात करें तो इसमें अगर आप टायर 1 और टायर 2 की परीक्षा पास कर ली तो आप टायर 3 की परीक्षा दे सकते हैं। ये आखिरी टेस्ट होता है, अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो यकीन मानिए नौकरी आपके हाथ में होगी। तो बात करते हैं अंतिम लेवल यानी टायर 3 की। दोस्तों इसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। अगर आप स्किल और टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं तो समझिए बस आपकी ज्वाइनिंग बाकी है, जो बहुत जल्द होने वाली होती है। इसके बाद जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों इसकी अच्छे से की गई तैयारी ही आपको इन पदों पर नौकरी दिला सकती है। तो अगर आप इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो सिलेबस की तैयारी तो अच्छी करनी होगी, जैसे रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, पॉलिटिक्स, करेंट अफेयर्स। अगर आपने इन सब की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपको एग्जाम देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम देने से पहले आप इन विषयों की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब जानते हैं सैलरी कितनी होती है। दोस्तों नौकरी चाहे किसी भी विभाग में लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एसएससी सीएचएसएल के तहत जिन पदों पर आपकी नौकरी लगती है उसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। जैसे एलडीसी के लिए आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी मिलती है। वहीं पोस्टल असिस्टेंट को 25,500 से लेकर 92,300 तक सैलरी मिलती है। वहीं डीईओ की बात करें तो डीईओ के लिए आपको 25,500 से लेकर 92,300 तक सैलरी मिलती है। अब जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पास करने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये तो आपको पता है, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई करने के लिए आपको डेली रूटीन बनाना होगा, मतलब स्टडी का टाइम टेबल बनाना होगा और आपको उसके अनुसार ही तैयारी करनी होगी। देखिए सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस को समझिए और उसके अनुसार पढ़िए। इसके लिए आप किसी बढ़िया कोचिंग का हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्स परचेज करके तैयारी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी बेहतरीन क्लासेज शुरू हो चुकी है, और चाहे तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले बेस्ट चैनल को खोजना होगा जो आपको एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करवा दें। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।